तुझे क्या खबर मेरी हमनवा, तुझे क्या पता क्या अज़ाब है, न गुजर सके न ही मिल सके मेरी जिंदगी वो शराब है। क्या हुआ? ओ, ये दोनों माँ बेटियां क्यों चीख रही थी? अरे भैया, नया का नया दुपट्टा जल गया उस बेचारी का। वो रफे पर जला रही थी, काट के जला रही थी कि दुपट्टा सरका और लो जी आग ने पकड़ लिया, जल गया। डिप्रेशन की वजह से शायद बेहोश हो गए, कुछ देर में होश आ जाएगा। वैसे पेशेंट के साथ हुआ क्या था कि इनकी ऐसी हालत हो गई? वो एक्चुअली डॉक्टर साहब, इरम की तबीयत कुछ दिनों से वैसी खराब चल रही थी, तो कल रात को वो डर गई थी इसलिए फिर से बाहर निकल गई। खैर, ये तो इनकी होश आने पता चल जाएगा। वैसे मैंने सुकून के लिए इंजेक्शन दे दिया, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। मेरी जिंदगी वो शराब है। छोड़ो छोड़ो मेरे बेटे को, मेरा बेटा बेकसूर है। मॉम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बस शाम को वापस आ गया। बेटा तुम पुलिस स्टेशन तो चलो, तुम्हारी शाम को सालों में बदलता हूं मैं, लेके जाओ उसे। यार इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कोई खबर ही नहीं दी। I'm so sorry, एक्चुअली मैं बहुत परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और फिर मैंने कहा कि मैं इतनी रात को तुम्हें क्या दे रहा हूँ। अच्छा, इतना फॉर्मल रिश्ता है हमारा, यार कम से कम मुझे एक दफा कॉल तो करते तुम। अच्छा यार, खैर है ना, सब कंट्रोल में। ये तो अच्छा हुआ कि आसिफ पकड़ा गया। हाँ, लेकिन आसिफ के पकड़े जाने से कुछ नहीं हुआ। राहिल को मैंने बोला है कि इस केस को खुद हैंडल करो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा आसिफ। खैर, मैं अपने अंकल से बात करता हूँ, इसके खिलाफ कोई बड़ी चार्जशीट तैयार करवानी पड़ेगी। लेकिन यार मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं नहीं चाह रहा कि इस सब में मेरी भांजी का नाम इन्वॉल्व हो। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, उसका नाम नहीं आएगा। और रशीद मिर्चिया क्या करना, लास्ट टाइम तेरी वजह से मैं चुप हो गया था, वरना बताता इसको मैं। ये मेरा और उसका मामला है, मैं उससे अपने तरीके से ही निपटूं। यार वो तुझे पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है, और मुझे डर है कि वो दोबारा तुझ पे वार कर सकता है। तूने भाई को बहुत हल्का लिया हुआ है, मैंने सोचा हुआ है कि रशीद मिर्ची के साथ क्या करना। यू जस्ट वेट एंड वॉच। उठ गई तुम? चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। मैं दो तीन बार आई थी मगर तुम सो रही थी। मां मुझसे नाराज तो नहीं है ना? चलो तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। मां मुझसे बात तो करें, मुझे पता है मुझसे नाराज हैं। इसमें कोई गलती नहीं थी, तो आसिफ मुझे अपने फ्रेंड के फ्लैट पर ले गया था। उसने कहा हम निका घर के सबको मना लेंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया थेरम? नहीं मामा, दिमाग नहीं खराब हुआ, सिर्फ के प्यार में अंधी हो गई थी मैं। अब ऐसा भी क्या अंधा प्यार कि माँ बाप की इज्जत को जमाने में रुसवा कर दो? कहीं कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ? नहीं मामा, जैसे मुझे आसिफ की नियत का पता चला मैं वहां से भाग गई। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात करम? ये दुनिया बहुत ज्यादा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमारी गाड़ी से टकराई, अगर हमारी जगह कोई और होता तो। मुझे पता है मामा, मैंने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है। मुझे डांटे, मुझे मारे, लेकिन कुछ तो बोले। जो खुद अपना दुश्मन हो उसका कोई क्या बुरा करेगा? तुमने अपनी खुद शरीर में अपना बहुत नुकसान कर लिया रम, अगर अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर दूंगी। नहीं मामा, इससे पहले कि आसिफ कोई और मसला खड़ा करे, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें रुखसत करना होगा। देख लिए ना अपनी जिद का नतीजा, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के फैसले ठीक होते।
अभी तो उमर भी धोखा खा लेगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी, तब पता चलेगा कि आप भी बिल्कुल ठीक कहती थी। शबाना, तुमने अपनी दुनिया अलग ही बनाई हुई है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं साबिर जी। मतलब ये है कि तुम कोई बात सर पे सवार नहीं करती, अपने सारे काम अपने खुद ही कर लेती। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात कहूँ अपने दिल की आपसे, कभी कभी ना बहुत अजीब सा भी लगता है मुझे, अकेलापन महसूस होता है। ऐसे लगता है कि न जाने वो पल कब आएगा कि जब कोई मेरी जिंदगी में आएगा और मेरी सारी जिम्मेदारियां बांट देगा। अधूरापन महसूस होता है ना, वो अब मुझे खलता है, अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या देख रहे हो? वो रक्षा देख रहा हूँ। रक्षा की अब क्या जरूरत, घर तो आ गया है, रक्षा में क्यों जाएं? नहीं, घर के लिए नहीं, मार्केट के लिए। मार्केट क्यों? आपके लिए सूट लेना है। सूट मेरे लिए? क्यों पहेलियां भिजवा रहे हैं, साफ साफ कहे ना क्यों जाना है मार्केट। नहीं शबाना, वो कल आपका सूट जल गया था, तो मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं मार्केट से आपके लिए एक नया सूट लूंगा, और फिर सोचा मैंने कि मैं जमीला से कह दूं। मैंने सोचा वो तो अम्मा वाले सूट लेके आएगी, वो तो की पसंद ही ऐसी। आप जो पहनती हैं वो बड़े अच्छे डिजाइन, बड़े अच्छे कलर, आप अगर खुद ले लेंगी ना तो ज्यादा अच्छा। पसंद तो मेरी वाकई बहुत अच्छी। लेकिन अगर हम मार्केट गए अकेले और जमीला बाजी को पता चल गया तो? आना, आप इसकी फिक्र ही ना करें, वो मैं संभाल लूंगा सर। सच? रक्षा, रक्षा। जब से पॉलर छोड़ा है ऐसा लग रहा है कि जिंदगी से रंग ही उजड़ गए। हाय अल्लाह, कितना मजा आया करता था, ऊपर से मोती फरहाना ने सारी मेहनत पर पानी फेंक दिया। हेलो। हाँ उमर, कहाँ हो? हाँ बाबा, निकल रही, अम्मा का इंतजार कर रही थी, आती है तो निकलती। अच्छा आना कहाँ? बबली बड़ी खूबसूरत लग रही है भैया। इस दुपट्टे में तो चार चांद लग जाते हैं जालिम में। पर दादा भाभी जा रही है इस वक्त? अरे यही आ रही है, और कहाँ जाएगी? अरे पार्लर जा रही है बेवकूफ कहीं के। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? अबे आज तो मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं भाई। अबे पहली मरतबा बबली को मुस्कुराते हुए देखा है, जी चाह रहा है मैं उसको देखता ही रहूं यार। Thank you.
अबे साले ये तो कभी मेरे हाथों से मारा जाएगा यार। दादा कहाँ रह गई ये दोनों बाप बेटी, ना बबली आई है ना साबित। बड़ी देर कर दिया। अरे जमीला आ गए अस्पताल से? हाँ आए, अभी अभी आई हूँ। अच्छा वो शब्बू आ गई? अरे अभी कहाँ, साबिर हुसैनी के साथ तो आती है ना वो। हाँ बताया था साबिर ने मुझे सुबह। हो सकता है तुम्हारा मियाँ आज ओवर टाइम लगाए। शब्बू की फैक्ट्री में तो ओवर टाइम के पैसे भी मिलते हैं। पता नहीं ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। साबिर हुसैन ने तो आज तक ना हमें तनख्वाह बताई है ना तनख्वाह दी है। हमें क्या मालूम क्या मिलता है क्या नहीं। आज सुबह भी मुझसे ही पैसे लेकर गए। ऐ मेरी बेटी तो पूरी तनख्वाह मेरी हथेली पे लाके रखती है। महीने की पहली तारीख आती नहीं है उसको तनख्वाह मिल जाती है। फिर भी आप लोग किराया देने में इतना लैत लाल से काम लेते हैं। हजार बार मांगो तो फिर देते हैं। आई जमीला मैं तो तुमसे गपशप करने आई थी, तुम तो बातें सुनाने लग गई। भूल गई हो मेरी बेटी के कितने एहसान है तुम पर। अरे नहीं बस मैं तो वो ऐसे मुंह से निकल गया। मेरी शब्बों का दिल बहुत नरम है, हर किसी के काम आती है, किसी की तकलीफ उसे बर्दाश्त नहीं होती है। आजकल भलाई का जमाना ही कहाँ है। अब क्या सूखी मुंह बिठाए रखोगी, चाय नहीं पिलाओगी? ऐसा में बड़ी दर्द हो रही है। शब्बो पता नहीं कब आएगी। जी मैं बनाती हूँ वो, जरा मुँह हाथ धो लूँ। उस लड़की ने मुझे ललका रहा है। वो अच्छी तरह से जानती है कि रशीद मिर्ची की वो इज्जत है, लेकिन उसे इज्जत रास नहीं आती यार। उसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। दादा फिर गाड़ी का इंतजाम कर लो। उल्लू अब भी पूछने की क्या कोई गुंजाइश है? जाके जबाह से बोल दे कि अपना घर एक रात के लिए खाली कर दे, किसी खास मेहमान को वहां ठहराना है। बोल दे उसे जाके। दादा मकान क्या, पूरा मोहल्ला खाली करवा दूंगा। मैं जूं गया और जूं आया। उठ जा यार। बबली ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अरे तू जानती है कि जिस सोसाइटी में तू रह रही है वहां से लड़की एक रात के लिए घर से निकल जाए तो फिर घर के लायक नहीं रहती। अब देखना, अब साबिर हुसैन भागा भागा बबली का हाथ मेरे हाथ में देगा। छोड़ूंगा नहीं। हाँ भाई आज सूरज कहाँ से निकला है? सब कुछ मेरी तबक्को के बरक्स हो रहा है। अगर रशीद मुझे तुम्हें नहीं मारता तो मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आया। क्या मतलब? यानी ये तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे किसी से लड़ना होगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मेरा बस चले ना तो मैं उस मनुष्य को जान से मार। उसके साथ क्या करना है वो तो मुझ पे छोड़। लेकिन अभी इस टॉपिक बात नहीं करते। देखो कितना अच्छा मौका है,
मुझे इस खुशी को महसूस तो करने दो। देखो बबली, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अगर मुझे पता होता कि आप ही इस तरह से रिएक्ट करेंगी तो तुम्हें कभी तुमसे नहीं छुपाता, मैं तुम्हें सच बहुत पहले बता दूँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बाजी ने मेरी कितनी बेइज्जती की, उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया। प्लीज बबली, अपने लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। देखो आप ही को समझाना मेरा मसला है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उस पर भरोसा करो। तुम्हारा साथ होगा ना तो मैं दुनिया से भी लड़ सकूं। भरोसा है तभी तो आज यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे साथ, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं कभी नहीं आती। लेकिन हाँ, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे रुख इख्तियार कर लेते हैं जहाँ कितने भी भरोसा नहीं हो। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी भी हाल में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? देखो चार दिन की नाराजगी ने मेरा कैसा हाल कर दिया, ऐसे लग रहा है कि जिस्म से जान निकल गई है। लेकिन तुमने मुझसे एक वादा किया, वो वादा ये है कि तुम मुझसे बदगुमान नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अच्छा अब चले क्या इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो रुक जाओ, अम्मा गुस्सा करेगी अगर देर होगी। चले प्लीज, चलो चलो। साबिर जी सच में बहुत मजा आया आज मुझे, इतने दिनों के बाद मैंने खुल के शॉपिंग की है, और ये रंग जोड़े का साथ में आपने बैग दिलवाया, बहुत शुक्रिया। भाई मुझे तुम्हारी चीजों में वो गुलाबी सूट ये वाला ये बहुत पसंद है। अच्छा सुने, वो गोलगप्पे खाने हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टा खट्टा पानी, आप बोल के आए ना? मैं बोल के आता हूँ। खटाई ज्यादा और चने भी अलग से। साबिर को क्यों दिखा रही है कि बबली किसी लड़के के साथ है? अच्छा है ना कि ये बबली किसी लड़के के साथ हो और उसके साथ इसकी सेटिंग हो जाए। बबली जाएगी तो तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। चलो बबली हटी और शबो तेरा रास्ता साफ। लेके आ रहा है भाई, वो बड़ा रखे लेके आ रहा है। क्या हुआ? नहीं परेशान क्यों? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि वो देर हो गई है ना तो अम्मा को बताया भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बस खुले के आ रहा है वो। हाँ मेरी जिंदगी वो शराब है। मेरी मोहब्बत को कबूल करके तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। उस मोटे रशीद मिर्ची की जिद में आके तू इस मिसरे बुड्ढे के साथ अपना चक्कर चला रही है। बबली से बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँ। बबली मेरी तुम लोगों के पास अमानत है, इसे हर कीमत पर मैं हासिल करूँगा। अब वही होगा जो मैं चाहूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आप मेरी जिंदगी में अब एक बहुत ही खास मुकाम रखते हैं। आप ही ने हमारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। पसे आईना भी शराब है, तुझे क्या खबर मेरी हमनवा, तुझे क्या पता क्या अज़ाब है, न गुजर सके नहीं मिल सके मेरी जिंदगी।